नमस्कार मित्रों, मैं सवाई सिंह एक बार पुनः आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्राचीन सिक्के, ओल्ड करेंसी ऑफ इंडिया का भाग तीन हम जारी करने जा रहे हैं, या फिर हेडिंग जो देखते हैं, राजस्थान के प्राचीन सिक्के। राजस्थान की किस रियासत के अंदर कौन से सिक्के प्रचलित थे, उनके नाम और विशेष बातों के बारे में भी हम जरूर जानकारी लेंगे सिक्कों से संबंधित। साथ ही साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस चैप्टर के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले आहत या पंचमार्क मुद्राओं का प्रचलन कहाँ से हुआ और कहाँ से हमें ये खुदाई के दौरान मिली थी। तीन से चार क्षेत्रों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही इसमें अगर सवाल देखे जाए तो सबसे डीपली सवाल जो पूछे जाते हैं, कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि राजस्थान के राजपूताना के किस शासन से संबंधित या किस वंश से संबंधित कौन सी मुद्राएं या फिर सिक्के संबंधित रहे, उनके बारे में भी हम जरूर विश्लेषण करेंगे। साथियों, शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के प्राचीन सिक्के तो सबसे पहले बात आती है टकसाल की, कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो टकसाल लगाई गई, सिक्के डालने का संयंत्र लगाया गया, वो कहाँ, वो किस वंश ने लगाया था। तो साथियों, इसमें नाम बताया जाता है वंश का आपके कछावा वंश के शासकों के द्वारा यह संयंत्र लगाया गया था आमेर में यह संयंत्र लगाया गया। साथ ही अगर पूछ ले कछावा वंश के किस शासक ने यह सिक्के डालने का संयंत्र स्थापित किया गया, जिसे टकसाल के नाम से जाना जाता है, तो नाम आता है भारमल, जिसे बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है साथियों। और अगर इनके ऐतिहासिक जानकारी के बारे में बात करें, ये वह शासक था जिसने मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपनी पुत्री हरकूबाई का विवाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथ में इनका विवाह किया शामवर के इर्द गिर्द। और आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम टकसाल के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में आहत या पंचमार्क सिक्के जिन्हें ढालकर बनाया जाता है, ठप्पा मारकर, जिनके ऊपर पांच प्रकार के चिन्ह अंकित किए जाते थे। पिछली जो वीडियोस है उसके अंदर मैंने इसके बारे में डिटेल सहित बताया था साथियों, कि आहत या पंचमार्क सिक्के जो हैं, ये राजस्थान में खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविदों को कहाँ से प्राप्त हुए, तो इनमें नाम आता है आपके रेड जो पड़ता है वर्तमान टोंक में। यहाँ से साथियों बताना चाहूँगा कि तांबे के भी बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए, चांदी के भी सिक्के बहुत सारे प्राप्त हुए, लोहे के भी सिक्के प्राप्त हुए, इसके कारण इसे राजस्थान का टाटा नगर इसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इनके अलावा आहत या पंचमार्क मुद्राएं राजस्थान में हमें कहां कहां से मिली हैं, तो साथियों इनके अलावा नाम आता है शांबर, और दूसरा जो नाम हमें देखने को मिलता है वो मिलता है आपके नगरी। एक बताया जाता है आपके शांबर और दूसरा बताया जाता है नगरी। चूंकि शांबर में भी आहत या पंचमार्क सिक्के मिले, साथ ही नगरी में भी यह सिक्के अवेलेबल थे, खुदाई के दौरान इनको ढूंढा गया था आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। अब बात करते हैं नगरी के अंदर जो आहत सिक्के जो मिले हैं अपने को, बात नगरी के सिक्कों की बात करें तो नगरी के जो सिक्के मिले हैं, नगरी पड़ता है आपके चित्तौड़ में, यहाँ जो सिक्के मिले हैं यहाँ पर, ये इन सिक्कों के माध्यम से एक जानकारी और मिलती है साथियों कि यहाँ पर सिवी जनपदस्य की जानकारी मिलती है, और सिवी जनपदस्य की जो राजधानी बताई जाती है वो बताई जाती है
मध्यमिका। मध्यमिका इसकी राजधानी, हमें यहाँ से इसका वर्णन देखने को मिलता है। साथियों अगर पूछा जाए कि सिवी जनपद से अर्थात इस क्षेत्र का नाम सिवी क्यों पड़ा, तो बताना चाहूँगा साथियों कि सिवी जो है ये पंजाब से निकली हुई एक जाति थी। पंजाब के ऊपर जब हूणों का अटैक हुआ, हूण जो आक्रमणकारी आए थे, हूणों के आक्रमण से बचने के लिए ये सारे सारे आकर मेवाड़ क्षेत्र में शरण ली और इस क्षेत्र को सिवी जनपद के नाम से जाना गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश के जो सिक्के अवेलेबल हुए वो किस सदी के प्राप्त हुए और राजस्थान में कहां कहां से ये प्राप्त हुए हैं। नंबर 3, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, गुर्जर प्रतिहार वंश राजस्थान या राजपुताना में गुर्जर प्रतिहार वंश के जो सिक्के प्राप्त हुए, साथियों बताना चाहता हूं कि ये सिक्के हमें जानकारी देते हैं नौवीं शताब्दी की जानकारी देते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि इन सिक्कों का जो जुड़ाव या फिर ये सिक्के कहां कहां से मिले, तो एक नंबर पर नाम आता है बीनमाल पड़ता है जालोर में, और दूसरा अगर क्षेत्र देखा जाए तो इसमें नाम आता है अपने शाम्बर का। एक बीनमाल और दूसरा शाम्बर से ये गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख सिक्के हमें मिलते हैं उत्खनन में। साथियों बताना चाहता हूँ कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो हैं, इनकी प्रारंभिक जो शाखा देखने को मिलती है हमें साथियों, वो मिलती है मारवाड़ में। प्रारंभिक जो इनका शासक बताया जाता है उसे हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। हरिश्चंद्र जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक बताया जाता है, इसका समय बताया जाता है 550 एडी ईस्वी इनका समय बताया जाता है। और हरिश्चंद्र के बाद अगर दूसरा गुर्जर प्रतिहार वंश का दूसरी जो शाखा देखी जाती है वो देखी जाती है भीनमाल जो है, यहाँ पर जो शासक बताया जाता है इसका नाम बताया जाता है नागभट्ट प्रथम यहाँ का शासक बताया जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों कि राजस्थान के विभिन्न रियासतों के अंदर कौन कौन से प्रचलित सिक्के हुआ करते थे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेवाड़ की। हेडिंग लगा लेते हैं राजस्थान के विभिन्न रियासतों में प्रचलित सिक्के, इनके बारे में बात कर रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले हमें जो रियासत के बारे में जानना है उसका नाम है मेवाड़। मेदपात, सिवी, प्रागवाड़, इनके आदि नाम देखने को मिलते हैं। मेदपात अर्थात पहाड़ों के पांव में बसा हुआ जो क्षेत्रांचल है उसे मेवाड़ कहा गया। अब मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के हैं इनका प्रचलन बप्पा रावल द्वारा इनका प्रचलन शुरू करवाया गया था। बप्पा रावल ने ही सर्वप्रथम राजपुताना या राजस्थान में सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था। अब हम बात करते हैं साथियों कि जब मुगलों के अधीन हो गए थोड़े समय के लिए मेवाड़, तो मुगलों के द्वारा जो प्रचलित सिक्के बताए जाते हैं, मुगलों के द्वारा प्रचलित जो सिक्के जारी करवाए गए हैं मेवाड़ के अंदर, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो मुगलों के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए हैं इन्हें एलची कहा जाता है। किसके नाम से? इन्हें एलची के नाम से जाना जाता है। बात करें कि ये जो मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर चांदी का जो सिक्का प्रचलित था उसे किसके नाम से जाना जाता है, तो चांदी का सिक्का जो है इसे रूपक के नाम से जाना जाता है। मेवाड़
के बारे में पढ़ रहे हैं तो अन्य सिक्कों से संबंधित भी जानकारी ले लेते हैं। और कौन कौन से सिक्के यहाँ पर प्रचलित हुए थे, तो मेवाड़ के अन्य जो सिक्के देखने को मिलते हैं साथियों, तो इनमें जो कांसे के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं उनमें लिखना चाहते हैं हम कांसे के सिक्के, कांसे के सिक्के, कांसे के सिक्के जो देखने को मिलते हैं इनमें कौन कौन से सिक्कों का नाम हमें देखने को मिलता है, तो सर्वप्रथम नाम आता है आपके ढींगला और दूसरा त्रिशूलिया। ढींगला ढक्कन, ढींगला, त्रिशूलिया, भिड़किया, डिंगला, त्रिशूलिया, भिड़किया, इनके अलावा बिलाड़ी, कांशापर्ण, बिलाड़ी, कांशापर्ण और कांशापर्ण के अलावा मेवाड़ के रियासत में जो प्रचलित सिक्के देखने को मिलते हैं साथियों, उनमें अंतिम सिक्के का नाम नाथद्वारिया, नाथद्वारिया के नाम से इन्हें जाना जाते हैं। कांसे के सिक्कों में डिंगला, त्रिशूलिया, भिड़किया, भिड़किया, बिलाड़ी, कांशापर्ण और नाथद्वारा। साथियों यहाँ पर नाम आया कांशापर्ण। वह भारतीय इतिहास का वह कौन सा वंश था जिसमें प्रचलित मुद्रा का नाम पण बताया जाता है, तो बताना चाहता हूँ साथियों मौर्य काल। मौर्य वंश जो है इनके द्वारा जो सिक्के प्रचलित या सिक्के प्रचलित किए गए थे, प्रचलित किए गए थे, इन्हें पण के नाम से जाना जाता है। और कांसे की मुद्रा होती थी उसे कांसा पण के नाम से जाना जाता था। तो साथियों हमने मेवाड़ रियासत के प्रमुख सिक्कों के बारे में जानकारी ले ली। अब मेवाड़ रियासत के बाद में दूसरी रियासत के बारे में बात करते हैं, नाम है जयपुर। जयपुर रियासत में प्राचीन काल में कौन कौन से सिक्के प्रचलित हुए थे, तो ज से जयपुर, ज से जाड़साई, जाड़शाही, सिक्के का नाम जाड़शाही। अगले सिक्के जो प्रचलित हुए हैं जयपुर के अंदर उसका नाम रश कपूर, रश कपूर, रश कपूर के अलावा जयपुर में जो सिक्के और प्रचलित हुए उनका नाम हाली, और उसके बाद में हाली के अलावा जयपुर में हाली जो सिक्के हैं इनके अलावा जो और सिक्के प्रचलित हुए थे साथियों, तो इनमें पुराना जाड़शाही, पुराना जाड़शाही और एक और सिक्के का नाम देखने को मिलता है जयपुर रियासत से जिसका नाम बताया जाता है मोहम्मद शाही। मोहम्मद शाही के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथियों एक शब्द आया है हाड़ी। राजस्थानी साहित्य की बात करें तो साथियों हमें ये जानने में मिलता है कि राजस्थान के वे कौन से गद्यकार कवि रहे हैं जिन्होंने किसानों से संबंधित अपनी रचनाएं लिखी हैं, तो इनमें बताना चाहता हूँ साथियों इनमें प्रमुख जो साहित्यकार है गद्यकार उनका नाम बताया जाता है रेवतदान चारण। रेवतदान चारण ने सर्वदा अपनी जो साहित्य है इनमें किसानों की जिंदगी से संबंधित रचनाएं लिखी है। इनमें एक इनका श्लोक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ साथियों, किसानों से संबंधित ही है कि खेत खड़न ने हल ने हाली जद किरसारी टोली, खेत खड़न ने हल ने हाली जद किरसारी टोली, कितरा दिन तक सबर करेली माटी हंसने बोली, जैसी कविताएं लिखने वाले नाम बताया जाता है रेवतदान चारण। आगे बढ़ते हैं साथियों और तीसरी रियासत के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी रियासत का नाम बताया जाता है जोधपुर। जोधपुर के अंदर कौन कौन से सिक्के प्राचीन काल के अंदर प्रचलित हुए थे, तो इनमें सबसे पहले नाम आता है पंचमार्क, पंचमार्क, पंचमार्क के अलावा जोधपुर में जो सिक्के प्रचलित हुए हैं इन्हें द्रंश भी कहा जाता है, द्रंश, और उसके बाद में गजशाही, महाराणा गज, महाराज गज सिंह के द्वारा जोधपुर मारवाड़ के राठौड़ वंश से वह शासक जिसने सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की उसका नाम महाराजा गज सिंह के नाम से जाना जाता है। अगला जो सिक्का बताया जाता है उसका नाम है लल्लूपिया,
लल्लूपिया, लल्लूपिया के अलावा और जो सिक्के हमें देखने को मिलते हैं जोधपुर रियासत से, इसमें विजयशाही, तख्तशाही, डब्बूशाही, विजयशाही, तख्तशाही और डब्बूशाही, डब्बूशाही भी जोधपुर रियासत से प्रचलित सिक्कों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। आगे भीमशाही, 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 इसके अलावा जो सिक्के हमें जोधपुर रियासत राठौड़ वंश के द्वारा जो देखने को मिलते हैं उनमें सर्वदा सबसे इंपॉर्टेंट जो सिक्का है उनका नाम है गदिया फदिया, गदिया फदिया। सवाल कई बार पूछा जाता है साथियों कि समूचे राजस्थान के अंदर वह कौन सी सिक्का है जो समूचे राजस्थान के अंदर प्रचलित था, तो उसका नाम था गदिया। अब इसका नाम गदिया क्यों है साथी बताना चाहूँगा, इसके ऊपर गद्य जैसी आकृति अंकित होने के कारण इसका नाम गदिया बताया जाता है। और अगर पूछ ले कि जोधपुर रियासत के अंदर जो सोने का सिक्का, सोने के सिक्के जो प्रचलित थे उन्हें किसके नाम से जाना जाता है, तो सोने के प्रचलित सिक्कों को मुहर के नाम से जाना जाता है। साथियों मैं बताना चाहता हूँ साथ ही गुजर प्रतियार वंश के जो भीनवार और सांबर सांबर से क्षेत्रों से जो सिक्के मिले हैं, इन सिक्कों में अगर सिक्कों के नाम पूछ ले जाए, सिक्के जो रूप पूछ ले जाए सिक्कों का जो गुजर प्रतियार वंश के द्वारा प्रचलित गए थे, इनके अंदर जो नाम देखने को मिलता है एक आदि वराह, वराह, दूसरा द्रंश और तीसरा विनायक। यह सिक्के प्रमुख रूप से गुजर प्रतियार वंश के शासकों ने स्थापित करवाए। अब हम बात करते हैं नंबर चार, चौथी रियासत के बारे में बात कर लेते हैं साथियों कि चौथी रियासत जो इंपॉर्टेंट अपने सामने जो निकल कर आती है उसका नाम है अजमेर, अजमेर। अजमेर में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे, किस शासक ने बेल बूटे से संबंधित सिक्कों के ऊपर चिन्ह अंकित करवाए थे, वह कौन सा शासक था जिसने लक्ष्मी और श्री अजय देव नाम के सिक्के प्रचलित करवाए, इन सब के बारे में बात करेंगे साथियों। लेकिन सिक्कों से संबंधित जानकारी ले रहे हैं तो अजमेर में जो प्रमुख रूप से सिक्के देखने को मिलते हैं इनमें द्रंश आता है, विषमपक दूसरा होता है, विषमपक, विषमपंक नामक भी एक सिक्के का प्रकार हुआ करता था, तीसरा जो रूप हमें देखने को मिलता अजमेर के अंदर रूपक, और चौथा है दिनार। रूपक और चौथा जो रूप हमें देखने को मिलता है दिनार, दिनार साथियों सोने की मुद्रा हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं कि सन 1192 ईस्वी जो हमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के बारे में ऐतिहासिक जानकारी देते हैं, द बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट एंड तराइन द्वितीय, जो सेकेंड युद्ध हुआ था तराइन द्वितीय का। अब इनके समकक्ष कौन से सिक्के प्रचलित किए गए थे, तो साथियों जरूर बताना चाहूँगा सन 1192 ईस्वी में जो सिक्के प्रचलित किए गए थे, सिक्कों का पहलू, एक पहलू, दूसरा पहलू हेड या टेल, इनके रूप में मैं आपको समझा रहा हूं साथियों। तो 1192 ईस्वी के अंदर जो सिक्के प्रचलित हुए थे इनमें एक तरफ लिखा था मोहम्मद बिन साम और सिक्के के दूसरे पहलू पर, सिक्के के दूसरे पहलू पर पृथ्वीराज नाम हमें उत्कीर्ण देखने को मिलता है। बात करते हैं अजमेर से संबंधित और समय बताया जाता है 1113 ईस्वी। बताना चाहूंगा कि अजमेर को अजय मेरु नाम से 1113 ईस्वी में अजय राज ने स्थापित किया था, इसे बसाया था। तो अजय राज के शासन काल में, अजय राज, अब अजय राज ने जो सिक्के प्रचलित किए हैं तो इनके भी दो पहलू में बता देता हूं। एक तरफ सिक्के के एक तरफ उत्कीर्ण था लक्ष्मी और सिक्के के दूसरे पहलू यानी हेड या टेल, दूसरा रूप ले लो आप, इसमें लिखा था श्री, इसमें जो दूसरा रूप देखने को मिलता श्री अजय देव, अजय देव,
ये दोनों रूप हमें देखने को मिलते हैं। ये सिक्के के दोनों पहलू के बारे में हमने बात कर ली है। तो साथियों, हमने मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और अजमेर के अंदर जो प्राचीन काल में जो प्रमुख रूप से प्रचलित सिक्के थे उनके बारे में जानकारी ली, और अब हम आगे बढ़ते हैं राजस्थान या राजपूताना की अगले रियासतों के सिक्कों के बारे में जानकारी लेते हैं। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको इसको जरूर स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने जो नोट्स हैं उनको आप संजो कर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 5, जो राजपूताना की रियासत है उसके सिक्कों के बारे में हम गहनता से विश्लेषण करते हैं। मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और अजमेर के बाद में अगली जो रियासत हम देखने जा रहे हैं साथियों, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगली जो रियासत हमें देखने को मिलती है उसका नाम है डूंगरपुर। नंबर 5, डूंगरपुर। डूंगरपुर रियासत के बारे में बात करते हैं कि डूंगरपुर रियासत में कौन से सिक्के प्रचलित थे प्राचीन राजपूताना में। तो डूंगरपुर में जो प्रचलित सिक्के थे उन्हें उदयशाही, चित्तौड़ी और शालिम शाही के नाम से जाना जाता है। उदयशाही, चित्तौड़ी और एक सिक्के का नाम और देखने को मिलता है जिसे किस नाम से, शालिम शाही के नाम से जाना जाता है। शालिम शाही, ये डूंगरपुर में प्रचलित सिक्कों के नाम हो गए, उदयशाही, चित्तौड़ी और शालिम शाही। नंबर 6वीं जो रियासत है उसके बारे में बात करते हैं साथियों, तो नाम आता है बूंदी। बूंदी में कौन कौन से सिक्कों का प्रचलित प्राचीन राजपूताने में चलता था, तो नाम है 11 शाना। यह पहली जो सिक्के का रूप देखने को मिलता है बूंदी में। दूसरा जो सिक्के का रूप देखने को मिलता है इसका नाम है हाली। हाली भी कहा जाता है सिक्के के एक रूप को बूंदी के अंदर। तीसरा रूप जो देखने को मिलता है उसका नाम है रामशाही, रामशाही। चौथा जो रूप देखने को मिलता है इसका नाम है कटारशाही। और पांचवा और अंतिम बूंदी के अंदर जो सिक्के प्रचलित थे उनमें नाम है चेहरे शाही, चेहरे शाही। ये सिक्के आपके बूंदी में प्रचलित थे, 11 शना, हाली, रामशाही, कटार शाही और चेहरे शाही। बात करते हैं नंबर 7, 7वीं जो इंपॉर्टेंट रियासत जिसके अंदर जो सिक्कों के प्रचलन के बारे में हम बात करें, नाम आता है कोटा। कोटा में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे, ये सवाल ऑक्शन के माध्यम से अपने से पूछा जा सकता है। तो नाम आता है मदन शाही, गुमान शाही और मोहम्मद बिंदार बख्श, मोहम्मद शाही। गुमान शाही और तीसरा मोहम्मद बिंदार बख्श आदि सिक्के आपके कोटा में प्रचलित थे। वापस बात बताना चाहूंगा साथी, कोटा के सिक्के जो हैं इनमें मदन शाही, गुमान शाही, साथ में मोहम्मद बिंदार बख्श के नाम से सिक्के प्रचलित थे। नंबर 8, 8वां जो रियासत के बारे में बात कर रहे हैं नाम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा रियासत के बारे में बात कर लेते हैं। बांसवाड़ा रियासत में जो सिक्के प्रचलित थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो बांसवाड़ा रियासत में 2 प्रकार के सिक्के, ऐतिहासिक सिक्के प्रचलित थे। इनमें एक का नाम शालिम शाही और दूसरे का नाम लक्ष्मण शाही, शालिम शाही और दूसरे का नाम लक्ष्मण शाही। ये सिक्के के 2 रूप हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, बात करते हैं नंबर 9, 9वीं रियासत के रूप में कौन सा क्षेत्र देखने को मिलता है, तो नाम आता है बीकानेर। बीकानेर में कौन कौन से सिक्के प्रचलित किए गए थे, तो बीकानेर के अंदर साथियों बताना चाहूंगा जो सिक्का प्रचलित हुआ है इसे गजशाही के नाम से जाना जाता है। और गजशाही जो सिक्का था ये चांदी के रूप में देखने को मिलता है, चांदी की मुद्रा के रूप में देखने को मिलता है। साथियों, बीकानेर से बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य जुड़े हैं, जैसे सर्वप्रथम मुगलों से
जो मैत्रीपूर्ण संबंधी या मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर। सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाले भी आपके बीकानेर के शासक बताए जाते हैं। बीकानेर में जो वंश पनपा है ये राठौड़ वंश के नाम से जाना जाता है। इनके प्रमुख जो शासक देखने को मिलता है, शासक देखने को मिलते हैं जिनमें कल्याणमल है, राय सिंह है, राव जेसी वगैरह वगैरह शासक प्रमुख रूप से इनमें देखने को मिलते हैं। अगर बीकानेर से संबंधित प्रशस्ति देखने को मिले, इनका नाम पूछ ले तो नाम इसे राय प्रशस्ति के, राय सिंह प्रशस्ति के नाम से इसे जाना जाता है। बीकानेर स्थित जो प्रमुख जो दुर्ग है उसका नाम पूछा जाए तो इसे जूनागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि साथियों बीकानेर को बसाने वाले थे राव बीकाजी, और बीकाजी ने जो पुराना दुर्ग बनाया है जिसे बीकाजी की टेकरी कहते हैं, अब उसी दुर्ग के स्ट्रक्चर के ऊपर पुनः इसको खड़ा कर दिया गया, नया जो दुर्ग बना है इसके कारण इसे जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। नंबर 10, 10वीं जो रियासत है उसका नाम बताया जाता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के नाम से इसे जाना जाता है। तो प्रतापगढ़ में कौन कौन से सिक्कों का प्रचलन था, तो नाम आता आलम शाही और शालिम शाही और दूसरा जो रूप देखने को मिलता है वो है आपके सालिम शाही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 11। 11वीं जो रियासत देखने को मिलती है नाम आता है करौली। करौली रियासत में कौन कौन से सिक्कों का प्रचलन हुआ करता था प्राचीन राजपूताना काल में, तो नाम आता है कटार जाड़शाही। और एक सिक्का और प्रचलित था प्राचीन काल में जिसका नाम माणक शाही के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों नंबर 12। 12वीं रियासत के बारे में बात करते हैं तो नाम आता है आपके किशनगढ़। ऐतिहासिक जानकारी संजोए हुए किशनगढ़ जो है यहाँ पर भी आपके राठौड़ वंश पनपा था। राठौड़ वंश जो पनपा है इनमें सबसे प्रसिद्ध जो शासक बताया जाता है उसे सावंत सिंह के नाम से जाना जाता है, जिसका दूसरा नाम नागरीदास के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नागरीदास ने वल्लभ संप्रदाय को अंगीकार कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के आराध्य बन गए थे अपना शासन काल पूरा का पूरा छोड़कर। अब जो नागरीदास हैं इसके दरबार में एक उच्च कोटि का चित्रकार रहता था जिसे मयूर ध्वज निहाल चंद के नाम से जाना जाता है, जिसने राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध कृति को अंजाम दिया जिसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है, जिसे बनी ठणी के नाम से जाना जाता है। बनी ठणी के ऊपर आगे बढ़ते हैं हम किशनगढ़ के अंदर कौन कौन से सिक्के प्रचलित बताए जाते हैं, तो यहाँ पर एक ही सिक्का इंपॉर्टेंट रूप से देखने को मिलता है, उसका नाम है चांदोड़ी रूपड़ी। चांदोड़ी यानी चांदी की, रूपड़ी यानी रुपया, चांदी का रुपये यहाँ पर प्रचलित था। आगे बढ़ते हैं हम नंबर 13वीं रियासत के बारे में बात, सवाल हर बार कहीं ना कहीं कंपटीशन के अंदर साथियों इससे निकल कर सामने आता है, और बात अगर प्राचीन भारत के प्राचीन सिक्कों की करें तो हमने एक भी चैप्टर मिस नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो रियासत है नाम है झालावाड़ में कौन कौन से सिक्कों का प्रचलन था, तो नाम आता है मदन शाही। मदन शाही व पृथ्वी शाही सिक्कों का प्रचलन झालावाड़ में। नंबर 14, 14वें रियासत के रूप में नाम आता है भरतपुर। भरतपुर के प्रमुख जो शासक हुए जिसमें हीरामन है, चूड़ामन है, बदन सिंह है, जवाहर सिंह वो शासक हुए थे जिन्होंने दिल्ली के लाल किले के अष्ट धातु के लगे दरवाजे को उतार कर अपने भरतपुर के लोहागढ़ के अंदर लाकर इनको स्थापित कर दिया था। भरतपुर का जो लोहागढ़ बताया जाता है इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो प्राचीर है प्राचीर के समकक्ष प्राचीर से लगते हुए मिट्टी का एक लेप लगाया गया, अस्तर बिछाया गया है ताकि कहीं से भी अटैक करके कोई गोला आकर इस दीवार को क्षतिग्रस्त करना चाहे तो वो आकर
गीले कीचड़ की तरह, जो गीले कीचड़ में आकर गोले को फंस जाना होता उसी प्रकार फंस जाता था। इसके कारण इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। और अगर बात करें जाटों का यूसीलेस अगर किसी को कहा जाता है तो उसका नाम बताया जाता है सूरजमल जाट को। तो भरतपुर जो रियासत है यहाँ पर जो सिक्का प्रचलित था उसे किस नाम से जाना जाता है, इसका नाम है शाह आलम। इसे शाह आलम के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 15। 15वीं जो रियासत है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो 15वीं रियासत जो है इसका नाम सिरोही। सिरोही में कौन कौन से सिक्कों का प्राचीन काल में जो प्रचलन देखने को मिलता है, नाम है बिलाड़ी और डब्बूशाही। बिलाड़ी व डब्बू शाही, बिलाड़ी व डब्बू शाही सिक्कों का प्रचलन हमें देखने को मिलता है सिरोही के अंदर। आगे बढ़ते हैं नंबर 16। 16वीं जो रियासत की बात करें तो नाम आता है साथियों अलवर का। अलवर, अलवर में कौन से सिक्कों का प्रचलन था, तो अ से अलवर, अ से अक्के शाही, अक्के शाही, अक्के शाही के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूप से सबसे अंतिम क्षेत्र के बारे में, उसका नाम बताया जाता है जैसलमेर। जैसलमेर थोड़ी सी मैं ऐतिहासिक जानकारी जरूर देना चाहूंगा, साथ ही बताना चाहता हूं यहां पर भी आपके अक्के शाही सिक्कों का प्रचलन हुआ करता था। जैसलमेर, जैसलमेर में जो वंश पनपा है, वंश का नाम बताया जाता है भाटी या भाटिया। भाटिया वंश जो है इसके प्रमुख शासक जिसे भट्टी के नाम से जाना जाता है। अब जैसलमेर जो है, जैसलमेर में अगर प्रतिष्ठित नगरों की बात करें जैसलमेर, तो इनमें जैसलमेर के प्राचीन रूप या प्राचीन नाम देखने को मिले तो इसे वल भी कहा जाता है, इसे मांड भी कहा जाता है। और जिस समय इनके ये जो प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं, इनमें जो इनका नाम देखने को मिलता है, इनकी राजधानियां जो देखने को मिलती हैं, इनमें एक का नाम बताया जाता है तन्नोट और दूसरे का नाम बताया जाता है लोदरवा। लोदरवा के नाम से जाना जाता है। एक समय था जब जैसलमेर या वल या मांड के अंदर सर्वाधिक ब्राह्मणों का निवास हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर एक जालिम शासक हुआ जिसका नाम तो सालिम था, लेकिन सालिम सिंह था, लेकिन कृतियों के कारण उसे जालिम सिंह बोला गया। समूचे ब्राह्मणों ने इस क्षेत्र को छोड़कर वॉकआउट कर गए। इसके ब्राह्मणों के कारण जो प्रसिद्ध गाँव बताया जाता है उसका नाम कुलधरा के नाम से जाना जाता है। साथ ही थोड़ी बहुत ऐतिहासिक जानकारी और बताता हूं मैं आपको जैसलमेर की। जैसलमेर में जो प्राचीन नदी बहती थी, इस नदी का नाम बताया जाता है काक। अब काक नदी कौन सी लव स्टोरी का साक्षात एक उदाहरण पेश करती है, तो इसमें एक लव स्टोरी भी पनपी थी जिसका नाम है महेंद्र मूमल। महेंद्र व मूमल, महेंद्र व मूमल की जो प्रेम कहानी है ये काक नदी के किनारे पनपी थी। साथियों जैसलमेर, अलवर, सिरोही, भरतपुर, झालावाड़, किशनगढ़, करौली, प्रतापगढ़, बीकानेर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, इसके साथ में किशनगढ़, करौली और इसके साथ में अजमेर है, जोधपुर है, जयपुर है, मेवाड़ आदि रियासतों के बारे में प्रचलित जो सिक्के हैं इनके बारे में हमने गहनता से विश्लेषण किया है। साथियों आगे ऐतिहासिक जो वीडियो आएंगे उसके अंदर हम इनकी पूरी डिटेल सहित राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। साथियों अब हम बात करते हैं रुपये का इतिहास। साथियों अब हम देख लेते हैं भारतीय रुपये का इतिहास। भारत में रुपये का प्रचलन सर्वप्रथम कब हुआ, ब्रिटिश काल के अंदर आते आते रुपये किन किन में बंटकर रह गया, या रुपये का दशमलवीकरण कब किया गया, भारत के अंदर रुपये का एक सिक्का कब जारी किया गया था, भारत में नोट जो है ये एक रुपये का नोट, पाँच रुपये का नोट, दस रुपये का नोट कब जारी किए गए थे, और भारत के अंदर सर्वप्रथम जो कागज़ के नोट किए गए थे वो किस बैंक के द्वारा जारी किए गए थे, इसके बारे में भी हम संपूर्ण जानकारी लेने जा रहे हैं। साथियों तो सर्वप्रथम अब हम बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम रुपया। भारत में सर्वप्रथम रुपये का प्रचलन, भारत में सर्वप्रथम रुपये का जो प्रचलन हमें देखने को मिलता है साथियों
तो रुपए का प्रचलन करने वाला था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने अपने काल 1540 से 45 ईस्वी के दरमियान रुपए का प्रचलन भारत में शुरू करवाया था। शेरशाह के नाम बहुत सारी उपलब्धियां देखने को मिलती हैं। दुर्ग की उपलब्धि है, रुपए का प्रचलन है भारत के अंदर, सड़क निर्माण का प्रचलन भी शेरशाह सूरी के नाम देखने को मिलता है। बात करते हैं कि शेरशाह सूरी के द्वारा जो रुपया प्रचलित करवाया गया था भारत के अंदर, तो वो किस रूप में देखने को अपने को मिलता है साथियों। तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो रुपया जारी किया गया था भारत के अंदर, ये 175 ग्रेन वजनी बताया जा, हमने अपने पहले वीडियो के अंदर एक ग्रेन बराबर कितना वेट होता है उसके बारे में जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं साथियों, ये जो रुपया प्रचलित किया गया शेरशाह सूरी के द्वारा, उसमें कितने ग्राम चांदी हुआ करती थी, तो मैं बताना चाहूँगा साथियों, इसमें 11.66 ग्राम चांदी हुआ करती थी, जो शेरशाह सूरी के द्वारा प्रचलित रुपया था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रुपये का जो इतिहास है, ये ब्रिटिश काल कह सकते हो आप, इसे उपनिवेश काल कह सकते हो। तो रुपये की क्या अहमियत रही थी, तो रुपया ब्रिटिश काल में 16 आना 64 पैसा व 192 पाई में बंटा। रुपया जो है 16 आना 64 पैसा और 192 पाई में आते आते बंट गया। अब हम बात करते हैं रुपये का दशमलवीकरण। रुपये का दशमलवीकरण, रुपये का दशमलवीकरण भारत में कब हुआ था? दशमलवीकरण का अर्थ होता है एक रुपया बराबर 100 पैसा। तो सर्वप्रथम दशमलवीकरण जो हुआ है, उसमें बात कर लेते हैं अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें जानने को मिलता है श्रीलंका, जिसे सिलोन और सिंहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता। उसके बाद में हम बात करेंगे भारत, और भारत के बाद में हम ज़रूर बात करेंगे थोड़ा बहुत पाकिस्तान की भी, क्योंकि एक समय अपना हिस्सा रहा है पाकिस्तान, इसलिए हम इसे भूल नहीं सकते हैं। तो श्रीलंका के अंदर रुपये का दशमलवीकरण जो किया गया था, ये 1869 ईस्वी बताई जाती है। तो भारत के अंदर रुपये का दशमलवीकरण 1957 ईस्वी में रुपये का दशमलवीकरण किया गया। चूंकि पाकिस्तान में रुपये का दशमलवीकरण कब किया गया था? 1971 ईस्वी में रुपये का दशमलवीकरण किया गया था, सॉरी 1961 ईस्वी में रुपये का दशमलवीकरण किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं मोटा मोटी तौर पर रुपया जो शब्द है, यह इसका अर्थ क्या होता है, किससे निकला है रुपया? तो साथियों बताना चाहता हूं कि रुपया जो है, यह संस्कृत के शब्द रुपयकम से निकला। अगर इसका शब्द उच्चारण या अर्थ निकाले तो सीधा सा अर्थ निकलता है रूपा। रूपा का अर्थ होता है चांदी की मुद्रा, चांदी की मुद्रा जिसे रूपा के नाम से जाना जाता है। ये शब्द लिया गया है संस्कृत से। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर जो रुपये का प्रचलन है, शुरू से लेकर अंत तक भारत में रुपया जो है, इसका इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं, बात कर लेते हैं रुपये के बारे में। तो भारत के अंदर जो रुपया प्रचलित है, तो भारत में रुपये का सिक्का नंबर एक, भारत में एक रुपये का सिक्का, भारत में एक रुपये का जो सिक्का है, इसका प्रचलन कब हुआ है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो साथियों 1862 ईस्वी में रुपये का सिक्का बना है। बात करते हैं नंबर दो, दूसरे इंपॉर्टेंट इनसे सवाल निकल कर आता है कि एक रुपये का नोट कब जारी किया गया। एक रुपये का नोट, एक रुपये का जो नोट है, ये कब जारी किया गया था? तो बताना चाहता हूं 1917 ईस्वी
1917 ईस्वी के अंदर एक रुपए का नोट जारी किया गया। नंबर तीन, तीसरी इंपॉर्टेंट बात भारतीय रुपए के बारे में कि 5 रुपए का नोट कब जारी किया गया था। 5 रुपये का नोट, 5 रुपये का जो नोट है ये 1922 ईस्वी के अंदर जारी किया गया था। बात करते हैं मोटा मोटी तौर पर 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का जो नोट है ये कब प्रचलन में आया, तो 1943 ईस्वी में 10 रुपये का नोट जारी किया गया। लेकिन सवाल पूछा जाए साथियों कि भारत में कागज के नोट कब प्रचलन में आए थे, किस बैंक के द्वारा ये कागज के नोट छापे गए थे, तो सन 1770 नोट बनाकर इसको एडजस्ट कर सकते हो आप, 1770 सन 1770 ईस्वी में द बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा कागज के नोट जारी किए गए, के द्वारा कागज के नोट जारी किए गए, कागज के नोट जारी किए गए। साथियों बात करें अगर इंडियन ओल्ड करेंसी ऑफ ओल्ड करेंसी ऑफ इंडिया या राजस्थान के प्राचीन सिक्के, आहत मुद्राएं, लेख वाले सिक्के या फिर प्राचीन काल के जितने भी सिक्के भारत के अंदर प्रचलित थे उन सब के बारे में हम विश्लेषण कर चुके हैं साथियों, और इस चैप्टर के माध्यम से हमने रुपये का संपूर्ण इतिहास जान लिया साथियों। और इस द करेंसी ऑफ इंडिया या राजपुताने के जो प्रमुख प्राचीन सिक्के हैं, मेरे आंकलन में सवाल आपके एक भी बार जाने वाला नहीं है। विल यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।